फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम ऐसी दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें यहाँ पे उसके मैनेजमेंट ने एक बम्पर धमाकेदार ऑफर यहाँ पे लॉन्च करी है, मतलब कि अनाउंसमेंट किया है। तो दोनों कंपनियाँ एकदम छोटी हैं, स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, परंतु एक कंपनी है जिसमें कल यानी कि 12 अप्रैल को अगर आप बाय करते हो शेयर, तो आपके शेयर 15 तारीख के पहले ही डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरी कंपनी में 19 अप्रैल से पहले आपके शेयर 5 गुने होने की संभावना है। तो दोनों कंपनियों के बारे में यहाँ पे जानेंगे, उस न्यूज़ को भी पढ़ेंगे। और दोनों कंपनियाँ मैंने जैसे बताया बहुत छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, परंतु जिस तरह का पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है उन कंपनियों में, आपको मल्टी पे अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मिलने वाले है। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरी तरह से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको अगर इंटरनली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वो कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली कंपनी की यहाँ पे मैंने डिटेल निकाल करके रखी है, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहली जो कंपनी का नाम है वो स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों, आपने शायद इसका नाम सुना हो ना सुना हो, क्योंकि इतनी फेमस कंपनी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही छोटी कंपनी है। पहले तो कंपनी करती क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा। स्टाइलम इंडस्ट्री इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेकोरेटिव लेमिनेट्स अंडर द ब्रांड नेम स्टाइलम एंड एक्सपोर्ट इज प्रोडक्ट प्राइमरी टू यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि डेकोरेटिव लेमिनेट्स के ऊपर काम करती है। लेट मी शो यू के क्या वो बनाती है। इसके लिए मैं आपको उसके वेबसाइट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे स्टाइलम देख सकते हो। तो उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, बेडरूम्स यहाँ पे पूरे के पूरे हाउसेस में ये डेकोरेटिव का काम करती है, लेमिनेट्स का काम करती है। यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से आप इसका बिजनेस क्या है उसको देख सकते हो। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे मार्केट कैप देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया बहुत स्मॉल कंपनी है, 1361 का मार्केट कैप, 40 के पी पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 17 के आसपास का है। करंट प्राइस 1606 रुपये पे है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 264 का निकल करके आ रहा है। और आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 14.5 की निकल करके आ रही है। एक साल की ही बात करें तो कहां से कहां पहुंच गया, 230 रुपये पे। एक साल पहले प्राइस हुआ करता था 52 वीक लो, और यहाँ पे 52 वीक हाई की बात करें तो 1625 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 की है। तो यहाँ पे और भी थोड़े बहुत फंडामेंटल को जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको और इसके ऊपर माहिती देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 ईयर का ये ट्रेंड देख सकते हो दोस्तों, लगातार तेजी का माहौल स्टॉक में बना हुआ है। यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी लगातार अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है, और कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 23.39% से वो 10 साल से ग्रो कर रहा है उसका सेल। तो दोस्तों, लगभग 23 से ऊपर का यहाँ पे प्रति ईयर सेल्स में ग्रोथ इस कंपनी में नजर आ रहा है। कौन से की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट अ डिविडेंड। दोस्तों, प्रॉब्लम ओनली एक ही है कि कंपनी ओनली डिविडेंड नहीं देती, परंतु यहाँ पे 24% से जिस कंपनी ग्रो कर रही है वो बोला डिविडेंड ना दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा और नीचे जाएंगे और यहाँ पे उसके कारोबार कैसा है, कैसे यहाँ पे डाटा है प्रॉफिट लॉस का, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसके लिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे लेके आया हूँ। सेल्स पे देखें दोस्तों, 2009 से लेकर के मैंने 2020 तक का यहाँ पे डाटा है, लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 2009 में 51 करोड़ के आसपास का सेल्स था, जो कि यहाँ पे मार्च 2019-20 की बात करें 462 करोड़ तक पहुँच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1 करोड़ के आसपास जिसका रहा करता था, वो अभी बढ़ करके 80 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 2 करोड़ के आसपास रहता था, वो अभी बढ़ करके एक समय पे 2019 पे 52 करोड़ था, परंतु थोड़ा बहुत 2020 में नीचे हुआ है, 34 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस कंपनी में कौन कौन दिग्गज माल लेकर के बैठे हैं। तो प्रमोटर के पास 54% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी, FII 4.9, तो स्टेबल यहाँ पे हिस्सेदारी रखी है। और यहाँ पे DII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.34% से 5.74% यहाँ पे हिस्सेदारी करी है।
तो दोस्तों मैनेजमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है इससे पहले, यहाँ पे रिटर्न की कैसी प्रोफाइल है वो लास्ट में जाते जाते डिस्कशन करना चाहूँगा। 1 वीक में 13% भाग चुका है, 1 महीने में 50% के आसपास, 3 महीने में 70% के आसपास, और 6 महीने में 114%, 1 साल में 500% के आसपास का रिटर्न है, और 2 साल की बात करें 114%। तो है ना दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक, आपको ऐसे ही स्टॉकों को ढूंढना है और इसमें निवेश करना है। अभी मैं सीधा आपको और PDF पे लेके जाना चाहूँगा जो यहाँ पे उन्होंने BSE को सबमिट करी है। तो यहाँ पे दोस्तों वो PDF खोल के रखा है, उन्होंने यहाँ पे BSE को ही सबमिट करी है क्योंकि ये स्टॉक ओनली BSE में लिस्टेड है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आना चाहूँगा, ये स्टॉक को प्लीट करने की बातें करी गई है यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, और उसकी जो रिकॉर्ड डेट निकल करके आ रही है वो 15 अप्रैल, मतलब कि अगर आपको मैंने 12 तारीख क्यों बोला है, क्योंकि आप 12 तारीख को यहाँ पे बाइंग करोगे तो, क्योंकि 14 तारीख के आसपास तो मार्केट में हॉलीडे है, तो आप अगर 12 तारीख को ही इसको लेकर के रखते हो कि शेयर है वो 15 तारीख को डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फेस वैल्यू 10 की है वो 5 कर दी गई है, तो इसका मतलब 1:2 का यहाँ पे स्प्लिट आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। फायदा ये है कि आपके शेयर है वो डबल तो होंगे होंगे, और इसी के चलते यहाँ पे जो तेजी निकल करके आएगी और ऑलरेडी आ चुकी है उसका फायदा आप पूरी तरह से ले सकते हो। तो ऐसी दूसरी एक कंपनी है जिसमें यहाँ पे तो डबल स्टॉक होने वाले हैं पर उसमें तो 5 गुने होने वाले हैं, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं उस कंपनी के प्रोफाइल पे आपको लेके जाना चाहूंगा। दूसरी जो कंपनी है ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, परंतु इसका भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड देखोगे तो एकदम मल्टीबैगर है। सबसे पहले कंपनी क्या करते हैं, शारदा मोटर इंडस्ट्रीज प्राइमरी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असेंबली ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स एंड वाइड ग्रुप्स कंपोनेंट। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर के साथ यहाँ पे वो जुड़ी हुई है, काफी यहाँ पे OEM को ये सप्लाई करती है। कौन क्या सप्लाई करती है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। तो आपको मैं उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाने की कोशिश करूंगा शारदा मोटर के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आए हो। यहाँ पे देखिए एक क्या क्या बनाती है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम, और उसके बाद सीट स्ट्रीम एंड सीट फ्रेम्स यहाँ पे बनाती है, और SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट में भी वो काम करती है। तो अभी इसके फाइनेंशियल को स्टडी करेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से आपको यहाँ पे screenet.com की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए शारदा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे मार्केट कैप आपको बताना चाहूँगा 1200 करोड़ के आसपास की है, तो यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी भी आपको एक 22 के ओनली PE पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 17 के ऊपर है। करंट मार्केट प्राइस 2019, यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें 647 का है। यहाँ पे ROE की बात करें तो 12.8%। यहाँ पे एक कंपनी देखे दोस्तों 1 साल में कितना ग्रोथ कर चुका है, 575 का शेयर हुआ करता था जो कि आपको 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की दिखाई दे रही है। तो आगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके लिए मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको और डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहूँगा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो यहाँ पे क्वार्टर में अच्छे यहाँ पे नंबर पोस्ट करने वाली है ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो ये भी डिविडेंड देती नहीं है, और यहाँ पे कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -0.27% ओवर पास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 साल में उसने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में थोड़ा बहुत कमी दिखाई दे रही है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नीचे और स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा और आपको यहाँ पे सेल्स का डाटा भी दिखाना चाहूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डाटा भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सेल्स देखे लगातार बढ़ रही थी दोस्तों सेल्स, यहाँ पे मार्च 2019 की बात करें तो 1140 करोड़ का सेल्स करा करता था, परंतु मार्च 2020 में ये सेल्स डाउन हो गया आपको पता होगा कोरोना के चलते, परंतु आप करंट ईयर की बात करें तो 1369 करोड़ का सेल्स ऑलरेडी कर चुका है। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 23 करोड़ का करा करता था 2009 में, जो कि वो बढ़ करके 145 करोड़ तक पहुंच चुका था 2019 में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 11 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़ करके 126 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं फटाफट आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ पे हम और बातें करेंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने, 73% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FII के पास बहुत कम होल्डिंग है 0.17, और DII के पास 1% की होल्डिंग अवेलेबल है जो कि एकदम स्टेबल है। यहाँ पे
उसके जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे पहले आपको इसकी भी रिटर्न की प्रोफाइल शो करना चाहूँगा, जैसे कि हमने स्टाइलम लिमिटेड में देखी। यहाँ पे देखें, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, एक मंथ में फ्लैट है, परंतु एक 3 महीने की बात करें तो 3% के आसपास गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 6 महीने में 130%, 1 साल में 209%, 2 साल की बात करें 36%, और 5 साल में 140% के रिटर्न ये दे चुका है। यहाँ पे देखें दोस्तों, मैं आपको उसने जो लेटर सबमिट किया है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्या उसने अनाउंसमेंट किया है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। ये भी स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं, जो रिकॉर्ड डेट है 19 अप्रैल 2021 है। ये जो 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर है उसको 2 रुपये कर रही है, मतलब कि आपके एक शेयर को 5 कर देगी, तो आपको 100 शेयर हो गए तो आपको 500 शेयर आपके खाते में ऑलरेडी आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसके चलते इसमें भी तेजी आने की पूरी पूरी संभावना है, इन दोनों स्टॉक को आपको वॉच आउट करना है। दोनों स्टॉक की लास्ट की क्लोजिंग प्राइस बताना चाहूंगा। पहले स्टाइलम इंडस्ट्रीज की बात करें, 1605.60 रुपये में क्लोजिंग हुई है, 90 रुपये के आसपास ऊपर है, 6% की बढ़िया तेजी हमें फ्राइडे को देखने को मिली। और सिचुएशन यहाँ पे शारदा मोटर्स की देखें तो 2020 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी, हालांकि ये 150 रुपये डाउन था, 7% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया मौका है, मुझे लगता है आप स्प्लिट का जो है उसका तो फायदा लिए लिए, परंतु तो लॉन्ग टर्म में दोनों स्टॉक आपको बढ़िया मल्टीबैगर्स रिटर्न पूरा पूरा देने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पे, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।